सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम। आज अंबेडकर जयंती की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आज अंबेडकर जयंती है, हमारे संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की आज जयंती हम लोग मनाते हैं 14 अप्रैल, ठीक है। आज उसी के उपलक्ष्य में हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट का बहुत बेहतरीन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, और आज आपको हम बताने वाले हैं जो हमारा जेपीएससी सीडीपीओ 2024 का बैच है। अभी इसका पेपर हमारा डेट अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट की हम लोग क्लास कर रहे हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट का 100 नंबर का सेगमेंट है, और इस 100 नंबर के सेगमेंट को बढ़िया से अच्छे से सीखना है, ठीक है। इस 100 नंबर के सेगमेंट को ठीक है, इस 100 नंबर का सेगमेंट हम लोग बेहतर तरीके से बढ़िया से अच्छे से सीखेंगे। आज आपको बता दें क्या क्या फीचर्स हैं। पहला तो आपको बिल्कुल लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी रहेंगी, कुछ हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस होगा, है ना, कितने बार भी देखो आप। और वैलिड कब तक है भैया? टिल एग्जाम तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। एमआरपी इसकी 1499 रुपये है, 1499 की है, लेकिन ऑफर प्राइस क्या है आपका? सिर्फ 999। कितना है? सिर्फ 999। तो बहुत जल्द ही दोस्त यार भाई बहन सभी लोग के लिए ऑफर को और ऑफर का लाभ उठाए। हमारा प्ले स्टोर पे जाइएगा, जैसा लर्निंग ऐप सर्च करिएगा, तो फर्स्ट स्टेप हो जाएगा ये आपको। और सेकंड स्टेप पे आपको क्या करना है? सेकंड स्टेप पे आपको डाउनलोड करके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल दें, ठीक है। चलो ऑल स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कोहलबर्ग का सिद्धांत। कोहलबर्ग का सिद्धांत आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत बेहतर तरीके से, बढ़िया से। ये हम आपके सामने उपस्थित हो चुके हैं बिल्कुल, तो और सीखते हैं कोहलबर्ग के सिद्धांत का। थोड़ा सा कोहलबर्ग के बारे में जानेंगे। कोहलबर्ग हमारे कौन थे, क्या थे, कैसे थे, किसके बारे में जाने जाते हैं, सारी चीजें बिल्कुल विधिवत तरीके से सीखेंगे, बिल्कुल बेहतर तरीके से सीखेंगे। तो सभी साथी एक बार जोरदार तरीके से सेशन को बढ़िया से शेयर कर दें, जितने भी दोस्त प्यार भाई बहन हैं सेशन को एक बार बढ़िया से शेयर कर दें, फटाफट सेशन को शेयर करो। जितने भी साथी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं सेशन को बढ़िया से शेयर कर दें भाई, बेहतर तरीके से बढ़िया से सेशन को शेयर करें। और आज हम लोग सीखने वाले हैं नैतिक विकास का सिद्धांत। कौन सा? नैतिक नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत इसको हम इसमें मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से जानते। मोरल डेवलपमेंट थ्योरी अगर आपसे पूछी जाए तो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी हमारी किसकी है? कोहलबर्ग महोदय की। किसकी है? कोहलबर्ग महोदय की। कोहलबर्ग ने एक सिद्धांत दिया और उसका नाम क्या रखा? नैतिक विकास का सिद्धांत। क्या नाम रखा? नैतिक विकास का सिद्धांत। अगर हम बात करें आपसे नैतिक विकास सिद्धांत की बात करें, नैतिक विकास का सिद्धांत जो है किसने दिया है? कोहलबर्ग। किसने दिया है? कोहलबर्ग। यहाँ तक की बातें समझ में आ रही है। कोहलबर्ग ने जो सिद्धांत दिया था वो हिंज, एक हिंज नामक व्यक्ति था, हिंज नामक व्यक्ति था, हिंज नामक व्यक्ति पर आधारित, हिंज नामक व्यक्ति पर आधारित पूरी कहानी है इनकी।
बहुत बेहतरीन सी कहानी, अच्छी सी कहानी, थोड़ा सा कहानी को भी रूबरू कराएंगे और बताएंगे हिंज नामक व्यक्ति कहानी किस पर आधारित है, तो उसकी पत्नी पर आधारित। हिंज नामक व्यक्ति की पत्नी क्या हो जाती है, बीमार क्या हो जाती है, बीमार हो जाती है, उसको बीमारी हो जाती है, गंभीर बीमारी हो जाती है। गंभीर बीमारी होती है, इसके सामने दो प्रकार के सेगमेंट आते हैं, ठीक है। एक आता है मोरल डिलेमा, तो हम डिलेमा के नाम से जानते हैं। दूसरा आता है मोरल रीजनिंग, मोरल रीजनिंग को हम नैतिक तर्कणा के नाम से, तर्कणा। ये दो शब्द इनके सिद्धांत में बहुत फेमस है, ये दो शब्द इनके सिद्धांत में बहुत फेमस है। अगर इनके स्टेजेस की बात करेंगे तो सबसे पहला कौन सा, कन्वेंशनल स्टेज, क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल स्टेज। दूसरा हमारा है कन्वेंशनल स्टेज, नीचे से ऊपर की तरफ लिखा है, ध्यान देना, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ा है। तीसरा हमारा है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, कौन सा है, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, ठीक। ये हमारे तीन है। अगर हम तीन की बात करें, पहला नंबर पर आता है प्री कन्वेंशनल स्टेज, दूसरे नंबर पर आता है कन्वेंशनल स्टेज, तीसरे नंबर पर आता है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। अब ध्यान से सुनना मेरे लाल, अगर आपसे पूछे कि स्टेजेस की संख्या कितनी, तो तीन, कितनी होगी, तीन। अगर पूछे कि अभिमुखता या आपसे सोपानों की संख्या पूछे, तो सोपानों की संख्या कितनी, छह, बताओगे, ठीक है। अगर आपसे लेवल की संख्या पूछता है तो कितनी बताओगे, तीन, लेवल और स्टेज। और अगर सोपान की संख्या पूछता है तो सोपान कितनी बताओगे, छह। एक लेवल में या एक स्टेज में कितने सोपान, तो कितने होते हैं, कितने होते हैं, स्टेज में कितने होते हैं, यहां तक बात क्लियर होगी। प्रत्येक सोपान ठीक है, अगला देख, यहां तक बातें क्लियर है, तो देखो यहां से स्टार्ट करते हैं। अगर हम प्री कन्वेंशनल स्टेज की बात करें तो इसकी एज जो होती है वो 6 से 10 वर्ष में, लगभग कितनी, 6 से 10 वर्ष का बच्चा होता है तो इसमें होता है प्री कन्वेंशनल। कन्वेंशनल वाला 10 से 13 वर्ष का बच्चा होता है, लगभग कितना होता है, 10 से 13 वर्ष। फिर 13 से 16 वर्ष का जो बच्चा होता है, 13 से 16 वर्ष का बच्चा होता है, वो हमारा कौन सा होता है, पोस्ट कन्वेंशनल, कौन सा होता है, पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल स्टेज की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 2 सोपान होता है। पहला होता है दंड एवं आज्ञा पालन, क्या होगा, दंड एवं आज्ञा पालन, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस जो हमारा होता है, ये हमारा पहले स्टेजेस का पहला सोपान है, ठीक है। तो इसके बाद आता है यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता, यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता इंस्ट्रूमेंटल रिवर्टरीज एडिविजन, ठीक। और जो दूसरा होता है हमारा स्टेज, दूसरे में भी 2 सोपान होते हैं, तो पहला होता है अच्छा लड़का अच्छी लड़की, जैसे कौन, परस्पर परस्पर एकजुट अभिमुखता बोल देते हैं, एकजुट अभिमुखता बोल देते हैं, ओरिएंटेशन, ठीक है। चौथा जो नंबर होता है वो कानून व्यवस्था उन्मुखता, या इसी को हम सामाजिक संरक्षण भी बोल सकते हैं, सामाजिक संरक्षण। अगला जो आता है सामाजिक अनुबंध आता है, बॉन्ड, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन होता है, ये हमारा तीसरे स्टेज में, इसमें होता है तीसरे स्टेज। और लास्ट होता है सार्वभौमिक नैतिक विकास सिद्धांत, यूनिवर्सल एथिकल
प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, फिर से समझ लेना। पहला हमारा प्री कन्वेंशनल स्टेज हो गया, दूसरा हमारा कन्वेंशनल हो गया, तीसरा हमारा पोस्ट कन्वेंशनल, तीसरा हमारा कौन सा हो जाएगा, पोस्ट कन्वेंशनल। अब देखना यहाँ पर, ध्यान से सुनना थोड़ा सा बात। जब हिंज की पत्नी बीमार होती है, गंभीर बीमारी होती है हिंज की पत्नी को, जब गंभीर बीमारी होती है तो वो ले जाता है हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल ले जाता है तो हॉस्पिटल में डॉक्टर बोल देता है कि देखो तुम्हारी पत्नी है, इसको लाइलाज बीमारी है, जल्दी से ये सही नहीं हो पाएगी। भाई पति था, पति परेशान हो गया, यार हमारी पत्नी को कौन सी ऐसी बीमारी हो गई इसका इलाज संभव नहीं। खैर किसी तरह वो पत्नी को घर लेकर आता है कुछ मेडिसिन वगैरह लेकर। तो कुछ दिन बाद डॉक्टर का फोन आता है, कहता है कि देखो एक इसका एक इलाज है, और एक फार्मासिस्ट ने क्या किया है, दवा बनाया, और तुम दवा अगर वाली ले आओ तो तुम्हारी पत्नी की जान बच सकती। भाई पति है, पत्नी की जान बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए। पहुंचता है डॉक्टर से लिखवाता है, और उसके फार्मासिस्ट के पास पहुंचता है और कहता है ये दवाई मुझे दे दो। अब फार्मासिस्ट क्या अपना टर्म्स और कंडीशन रखता है, फार्मासिस्ट कहता है कि दवा तो हम दे देंगे, दवा हमारे पास है, लेकिन इसको बनाने में हमारा जो एक्सपेंस हुआ है वह $200, जो बनाने में खर्च आया है, जो हमारी दवा तैयार हुई है उसका हमने कितना दिया है $200, लेकिन इसका हम 10 गुना लेंगे, मतलब हम $2,000 आराम से लेंगे, तभी इस दवा को हम $200 खर्चा करके हम इसका 10 गुना लेंगे, मतलब कितना $2,000। अब ये परेशान हो जाता है, कहता है इतना पैसा तो हमारे पास नहीं, तो ये कहता है कि एक काम करो, जो हमारे पास पैसा है ले लो और पैसा बांट लो। दुकानदार कहता है, फार्मासिस्ट बोलता है कि हम उधार नहीं बेचेंगे, हम नगद पैसा लेंगे। तो ये सोचता है चलो दोस्त यार से हम पैसा मांगेंगे, कहीं से अरेंज करेंगे, आता है अपने दोस्त यार से भाई बहन से पैसा लेता है। इसी तरह इसके पास $1,000 इकट्ठा होता है, कितना इकट्ठा होता है $1,000, $1,000 कलेक्ट कर लेता है। और पैसा कहता है कि देखो आप एक काम करो, आधी दवाई को अभी दे दो, आधी दवा जब हमारे पास पैसा होगा तब ले। तो फार्मासिस्ट कहता है कि देखो भैया इस दवा को हम काट कर बेचेंगे, देंगे तो पूरा पता। कहता है कि किसी तरह रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होता। जब रास्ते में आता है तो उसके मन में दो प्रकार के ख्याल आते हैं, इसका शटर का ताला खोलेंगे तोड़ेंगे, और उसके बाद शटर खोलकर दवाई को हम क्या कर लेंगे, चोरी कर लेंगे, दवाई को हम क्या कर लेंगे, चोरी कर लेंगे। अब इसके मन में ये विचार आना स्टार्ट हो जाता है कि दवाई को क्या करेंगे, चोरी। अब जब ये दुविधा में होता और डिलेमा को क्या बोलते हैं, नैतिक दुविधा, नैतिक दुविधा में होता है, डिलेमा को हम बोलते हैं दुविधा, नैतिक दुविधा में होता है इस कार्य को करें कि ना करें, तब चोरी करें कि ना करें। तो जब असमंजस में स्थिति हो, बच्चा फैसला लेने में शामिल ना हो पाए, तो हमारा क्या कहलाता है, मोरल डिलेमा कहलाता है, नैतिक दुविधा कहलाता है। लेकिन अगर फैसला लेने में सक्षम हो जाए, फैसला लेने में सक्षम हो जाए, तो हमारा क्या कहलाएगा, मोरल क्या कहलाएगा, मोरल है, वो किसी तरह दवाई को चोरी कर ही लेते, ताला तोड़कर दवाई को निकाल ले। अगला देखना, यहां पर देखो थोड़ा सा साफ साफ लिखा हुआ,
पूर्व परंपरा का ये पहला स्तर माना जाता है। कैसा माना जाता है? पहला स्तर लेवल माना जाता है। एक बात याद रखना, आत्म केंद्रित जो निर्णय लेता है बच्चा, ईगो सेंट्रिक जजमेंट, ईगो सेंट्रिक जजमेंट हमारा कोहलबर्ग के सिद्धांत का है। कौन से सिद्धांत का है? कोहलबर्ग के सिद्धांत। अगर आपसे पूछा जाए ईगो सेंट्रिक जो जजमेंट होता है तो वो किसके सिद्धांत का है? वर्ग के सिद्धांत, सिद्धांत का है कोहलबर्ग। अब यहाँ पर कैसे कैसे क्या होता है थोड़ा सा सीख। क्या पहला स्तर माना जाता है? इसमें नैतिकता का अभाव होता है, नैतिकता का अभाव या कमी पाई जाती है, दंड एवं आज्ञा पालन, मतलब बच्चे को थोड़ा बहुत हम पनिशमेंट देने देते हैं और उससे कार्य को कराते हैं, कार्य को थोड़ी बहुत पनिशमेंट प्राप्त करेंगे और कार्य को कराएंगे। ठीक, जैसे मान लो नैतिकता उसके अंदर लानी है, यहाँ पर जो पहला स्तर होता है यहाँ पर नैतिकता जोर जबरदस्ती है, जोर जबरदस्ती दबाव से लाई जाती है। ठीक है, जैसे चाचा आए या बाबा आए, कोई भी आए, तो बच्चे को हम बोलते हैं कि देखो चाचा आए, पैर छू नहीं दे। वैसे उसके अंदर नैतिकता लाई जाती है, ये हमारा क्या कहलाता है? दंड एवं आज्ञा पालन। यांत्रिक सापेक्षिक होता है हमारा इंस्ट्रूमेंट, पुरस्कार, संसार प्रोत्साहन देकर पुरस्कार प्रशंसा प्रोत्साहन देकर हमारा क्या कहलाता है? यांत्रिक सापेक्षिक। परस्पर एकजुट अभिमुखता, ये हमारा दूसरे में होता है कन्वेंशनल लेवल। इसी को हम क्या बोलते हैं? अच्छा लड़का अच्छी लड़की। फिर अधिकार संरक्षण आता है, और अधिकार संरक्षण को भी हम क्या बोलते हैं? कानून व्यवस्था। सामाजिक अनुबंध आता है, विधि सम्मत अभिमुखता, तो सार्वभौमिक नैतिक सिद्ध। हमारा कौन से पहले स्तर की अगर हम बात करें, पहले स्तर में नैतिकता की कमी पाई जाती है, नैतिकता दूसरे वाले में समाज को देखकर, तीसरा वाला जो होता है तीसरे वाले में स्वयं से, तीसरे वाले में स्वयं से। नैतिक विकास की जो अवस्थाएं अभी हम आपको बता चुके हैं, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की कुल छह अवस्थाएं का वर्णन किया है, दो दो अवस्थाओं एक साथ रखकर तीन स्तर बना दिए। कितने स्तर बना दिए? तीन स्तर हो गए। सोपान कितने हो गए? छह। सोपानों की संख्या छह। कोहलबर्ग नैतिक का सिद्धांत जो है लागत प्रबंधन 10 से 16 वर्ष के बच्चों से प्राप्तों का विश्लेषण करके जब बालक को नैतिक संघर्षों का सामना करना पड़ता है तो उसकी तार्किकता अधिक महत्वपूर्ण है। कोहलबर्ग ने धारणा बनाई कि बालक की
विकास की अवस्थाओं में तीन स्तर से गुजरकर विकसित परिवार के अनुसार पिक्चर का चित्रण से प्रभावित होता है। परिवार के आदेश देते ही रहते हैं, उन आदेशों का पालन न कर दंड किया जाता है। इसलिए बच्चा यह सोचता है कि दंड से आदेश का पालन करना चाहिए, अर्थात आज्ञा का इसलिए करता है कि वह दंडित ना हो। रूढ़वादित्व में क्या है? रूढ़वादित्व नैतिक विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के भी दो स्तर माने जाते हैं, प्रशंसा की अवस्था। इस अवस्था के बच्चे जो भी करता है वह दूसरों लोगों के द्वारा उसकी प्रशंसा के लिए करता है। दूसरी ओर समाज के सदस्य बच्चों को विशेष अवस्थाएं रखने समाज के उन्हें स्वीकृत करने स्वीकृत मिलने लगती है। इस अवस्था में बच्चे उन त्योहारों प्रशंसा कर प्राप्त कर इस प्रकार के निर्धारित होता है। ठीक है, यहाँ तक आज हम लोगों ने सीखा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं।